Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Prettiest Pretty. Title से तो आप लोग को पता ही चल गया होगा कि आज का मेरा वीडियो Amazon पे स्टार्ट हुआ 26th and 27th को. तो ऑफ कोर्स आप लोग सबने शॉपिंग किया होगा और मैंने भी ढेर सारा शॉपिंग किया है. बट कुछ चीज़ें तो जस्ट तुरंत ही आ गई, बट कुछ चीज़ें अभी आने वाली है. तो मैंने सोचा कि मैं उनका वेट क्यों करूँ. जो चीज़ें आई हुई है तो मैं उनके वीडियो तुरंत ही शूट करके और आप लोग को दिखा दूँ कि मैंने क्या क्या लिया है. और अगर आप मिस कर गए हो चीज़ें लेना, तो वैसे तो अमेजन पे ऑलवेज कुछ ना कुछ ऑफर चलते रहता है, कूपन्स वगैरह रहते हैं. अगर आपके पास अमेजन पे होगा तो कूपन्स वगैरह मिलते रहते हैं, तो आप उससे भी शॉपिंग कर सकते हो, अपने पैसे बचा सकते हो. वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्या क्या लिया है. मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास अभी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है. कुछ चीज़ों को मैंने अनबॉक्स कर दिया है और कुछ चीज़ें अनबॉक्स नहीं हुई है. तो पहले मैं बता देती हूँ आपको मैंने कितनी सारी चीज़ें ली हुई है. ये इतनी सारी चीज़ें अभी है जो ऊपर वाले अनबॉक्स हो चुके हैं, नीचे वाले नहीं हो चुके हैं. मैं सारी चीज़ें दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है और जो मैंने यूज़ कर लिया है वो भी मैं दिखाती हूँ. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम एकदम बेसिक चीज़ से, फिटनेस से. आजकल तो सबको ही फिट रहना चाहिए. वैसे भी जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तो योगा एक्सरसाइज नेसेसरी हो गई है, सबको करनी ही चाहिए. तो मुझे तो टाइम मिलता नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, फिर भी मैं सुबह थोड़े बहुत योगा कर लेती हूँ. और मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी स्किपिंग की जाए, तो मैंने ये लिया. ये है फ्रॉम द ब्रांड स्पीड जंप रोप. तो ये मैंने लिया है थोड़े से जंपिंग स्किपिंग जो भी बोलो वो करने के लिए, ताकि मैं खुद को फिट रख सकूं. तो ये रहा मेरा फर्स्ट परचेस और ये मुझे आई थिंक 49 या 48 रुपीज़ में पड़ी थी. मैं आपको प्राइस बता देती लेकिन मैं अभी जस्ट मोबाइल से शूट कर रही हूँ तो मैं आपको प्राइस बता नहीं सकती हूँ. तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और मैं अमेजन का लिंक भी डाल दूंगी. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये सारी परचेज कर सकते हो चीज़ें. अभी अगर ये आपके प्राइस, इसकी प्राइस आपको अगर अच्छी लगी, तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि अभी इसकी कितनी प्राइस होगी कितनी नहीं होगी, तो आप चेकआउट कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ. ये तो था फर्स्ट, सेकेंड क्या है देख लेती हूँ. मैं इन सबको खोल ली हूँ ताकि ये हैसल ना हो चीज़ों की. इसमें बिल है, मैं इसकी प्राइस बता दूंगी आपको. इसमें है दो चीज़ें. तो मेरा फर्स्ट है मेबेलिन का है फिट मी, जो कि आप लोग सबके पास होगा, सारी लड़कियों का फेवरेट प्रोडक्ट है. मैट प्लस पोरलेस पाउडर है अप टू 12 आवर, SPF 28, ऑयल कंट्रोल. और मेरा सेड है 128 वार्म न्यूड. इसकी प्राइस है 199, बट मैं बताती हूँ मुझे सेल में कितना पड़ा. अमेजन सेल में 60 रुपीज़ ये मुझे पड़ी, 160 रुपीज़, 199, 160. तो मैंने अपने पैसे सेव किए इसमें. इसके साथ में सेकेंड प्रोडक्ट था ये कलर सेंसेशनल द क्रीमी मैट मेबेलिन न्यूयॉर्क. ये भी मेबेलिन की तरफ से है. और इसका प्राइस कितना था, ये है 299 और ये मुझे पड़ी है 142 की पड़ी है मुझे. ये सेड मुझे बहुत पसंद है. मैं इस सेड को, मैं इसको ओपन करके आपको इसका सेड का स्वचेस नहीं दे सकती, क्योंकि ये मुझे किसी को देना है इसलिए मैं ये खरीदी हूँ. तो अगर आपको इसका स्वचेस चाहिए तो आप प्लीज़ अमेजन पे जा कर के चेक कर लेना, आपको अमेजन पे इसके स्वचेस मिल जाएंगे. ठीक है, ये मेरा हो गया थर्ड प्रोडक्ट. अब हम जाते हैं ये नेक्स्ट बॉक्स की तरफ. नेक्स्ट बॉक्स में हमारा क्या है. अमेजन की ये चीज़ें अच्छी हैं कि वो इस तरह से पैकेजिंग करके देते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा डस्टबिन वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है बहुत ज़्यादा. और इसमें है मेरी एक प्रोडक्ट, ये देखिए इतना बड़ा डब्बा और प्रोडक्ट इतना बड़ा. क्या भैया लोग, एक्चुअली ये ऐसा होता है क्यों है ना कि हम जो चीज़ें ऑर्डर करते हैं ना, तो हम एक सेलर से प्रोडक्ट तो ऑर्डर करते नहीं हैं. अमेजन पे बहुत सारे सेलर रजिस्टर है. तो मैंने जैसे ये परचेस किया तो ये किसी और सेलर ने रजिस्टर करके रखा होगा, ये परचेस किया तो ये किसी और सेलर ने. बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि सेम ही प्रोडक्ट आपको दो प्राइसेस में दिखेंगे. तो इसका मतलब ये होता है कि
उस सेलर ने इसको इस प्राइस में रखा है एंड अदर दूसरे सेलर ने इसको दूसरे प्राइस में रखा है, तो हम दूसरे सेलर को पसंद करेंगे जिसकी प्राइस कम होगी, और इस प्रोडक्ट में मैं दूसरे सेलर को पसंद करूंगी जिसकी प्राइस कम होगी। इससे हमें ये दो चीज़ें दो जगह से मिलती है, दो सेलर से, इसलिए हमें हर चीज़ एक साथ नहीं मिलती। अमेजन में यही प्रॉब्लम है। तो ये हमारा नेक्स्ट है, ये मेरा मैं अनबॉक्सिंग करके आती हूँ। ये अनबॉक्सिंग करना चक्कर बहुत ज़्यादा, आप लोग प्लीज़ वेट कर लो। ये है लैक्मे की इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन SPF 8, लैक्मे की फाउंडेशन। ये बहुत पुरानी प्रोडक्ट है, ये सभी को यूज़ करते हैं, सबको पता है लैक्मे के। और ये मेरा पहला फाउंडेशन है गाइज, मैं आप लोग को बता दूँ, मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है अपना, जिसमें मैं वीडियो शूट कर लूँगी, तो मुझे मेकअप करने के लिए मेकअप प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया है। और मुझे अपने सीड्स के बारे में अभी कंप्लीट पता नहीं है, तो मैंने सोचा कि पहले बजट फ्रेंडली फाउंडेशन ऑर्डर करते हैं, फिर अपने सीड्स को समझा जाए आपके फेस के सीड्स क्या है, कलर क्या है, उसके बाद आप अदर प्रोडक्ट्स या फिर कॉस्टलियर प्रोडक्ट पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो ये मेरा फाउंडेशन, ये मैंने अपने लिए लिया है। और इसका प्राइस क्या पड़ा है, इसका प्राइस मुझे पड़ा है 196 और इसका ओरिजिनल प्राइस है 280 रुपीज़। ये मेरा पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट होगा, आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। ये मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है। देन हम जाते हैं इस बॉक्स की तरफ। इसमें मैंने क्या लिया है एज यूजुअल, ओ गॉड, एक लिपस्टिक, इतना बड़ा डब्बा, एक व्हाट प्रीति नेल पेंट, एक नेल पेंट और इतना बड़ा डब्बा। अच्छी बात है अमेजन वालों की, इन डब्बों को हम सेल लगाएंगे, ले लो अमेजन के डब्बे, ले लो ले लो ले लो। तो ये रहा मेरा नेल पेंट है, ये फेसेस कनाडा का स्प्लैश है, और ये मेरा सेड है, ये इसकी प्राइस है 109, और ये कौन सी सेड है नहीं पता, बट मुझे इतना याद है मैंने डिस्क्रिप्शन में चेक किया था, ये रूबी रेड है। मुझे रेड कलर की नेल पेंट चाहिए थी, मुझे रेड कलर बहुत ही पसंद है ज़्यादा, और ये 93 के आसपास है, इसमें ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिला है मुझे, 109 की है ये और 93 पड़ी है, बट मुझे ये रेड कलर चाहिए था और रेड कलर किसी भी ब्रांड में अवेलेबल नहीं था रूबी रेड, इसलिए मैंने इस ब्रांड को सिलेक्ट किया। मुझे इसके बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, लैक्मे यूज़ किया है, मेबलिन यूज़ किया है, बट ये मैंने यूज़ नहीं किया है, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा स्प्लैश की तरफ से ये नेल पेंट। देखते हैं यूज़ करते हैं, और इसकी रिव्यूज़ आपको चाहिए तो डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, मैं इंस्टाग्राम पे ऑलवेज एक्टिव रहती हूँ, और मैं वहाँ पे स्टोरीज़ में डे टू डे डेली लाइफ की अपनी सारी चीज़ें डालती रहती हूँ, इवन मैं पोस्ट भी करती हूँ, मैं एडिटिंग फ़ोटोज़ भी डालती हूँ, मैं ढेर सारी सेल्फ पोर्ट्रेट भी बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ। तो अगर आपको सेल्फ पोर्ट्रेट में इंटरेस्टेड हो या इंस्टाग्राम फोटोज़ में इंटरेस्टेड हो, डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी या फिर स्क्रीन में इधर कहीं मेंशन कर दूँगी। वैसे मैं इंस्टाग्राम हैंडल है प्रीटी स्प्रिटी, डू फॉलो मी। तो फिर चलते हैं हम इस बिग जाइंट बॉक्स में, इसमें क्या है। तो इस बॉक्स को खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमेजिन जी की, तो इसमें फर्स्ट आता है ये मेरा वेट एंड वाइल्ड का आई सेडो पैलेट। मेरे पास रोज़ इन द एयर है, अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बहुत बार बात की होगी रोज़ इन द एयर आई सेडो पैलेट के बारे में। मैं उसमें मेकअप कर रही थी तो मैं इस पैलेट को बहुत मिस कर रही थी, इस पैलेट को नहीं, वेट एंड वाइल्ड पैलेट की रोज़ इन द एयर। इस पैलेट, ये तो है कौन सा पैलेट है, ये है कम्फर्ट जोन। तो इसमें दो या तीन वेराइटीज़ आते हैं वेट एंड वाइल्ड के, तो मेरे पास रोज़ इन द एयर था, तो फिर मैंने सोचा कि इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। इसमें तो कलर में सारे साइनी कलर है, आपको दिख रहा होगा, तो जस्ट इसमें साइनी कलर है। मुझे ये कलर चाहिए था आईलिड के लिए, ये कलर मैंने लिया है हाइलाइटर के लिए, और ट्रांजिशन के लिए ये कलर बहुत अच्छा है, ये बेस कलर के लिए बहुत अच्छा है,
और इनसे थोड़ा मैं एक्सपेरिमेंट करूँगी अपने आईज़ के। अभी अभी का मेरा मेकअप कैसा है आप जरूर लिख के बताना मुझे, मैं कैसी लग रही हूँ ये भी मुझे बताना। बट अब मैं थोड़ा सा इसमें एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने ये एक और पैलेट मंगवाया है, क्योंकि इसमें साइनी साइनी बहुत ज़्यादा है, तो मैं थोड़े साइन कलर के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। दैट्स व्हाई आई ऑल्सो वन इज दिस इज माय ऑल टाइम फेवरेट प्रोडक्ट सिटाफिल। सिटाफिल सिटाफिल इज माई लव, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। इसकी मॉइस्चराइजर, इसके फेस वॉश, इसकी क्रीम और इसके बॉडी लोशन, इसकी सोप, सारी चीज़ें मेरे पास है, मैं सभी यूज़ करती हूँ इसके। तो इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूँ, मेरे स्किन टोन है नॉट ज़्यादा फेयर नॉट ज़्यादा डाउन डार्क, मैं बीच बीच में हूँ, कभी मैं गोरी लगती हूँ कभी मैं सांवली लगती हूँ, तो आप लोग डिसाइड कर लेना मेरा कलर क्या है। तो मैं ज़्यादा थोड़ा सा फेयर फेस वॉश ये ब्यूटी प्रोडक्ट दिखता था तो मैं ज़्यादा यूज़ कर लेती थी उन लोगों को, पर मुझे मैं वो बता दूँ कि वो सारे मेरे डिसीजन गलत थे। तभी मैं यूट्यूब वीडियोस देखना स्टार्ट की, मैं पहले गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती थी तो मुझे टाइम नहीं मिलता था, बट एक बार अचानक मैं ऐसे यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रही थी तो एक वीडियो दिखा मुझे, वो सना के का, आप अगर चाहो तो आप उसको देख सकते हो उसके यूट्यूब चैनल को, वो ढेर सारे अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करती है। तो उन्होंने अपने स्किन केयर या कुछ ऐसा कुछ वीडियो डाला था, मुझे याद नहीं, अगर मिलेगा तो मैं उस वीडियो को अपने चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो उन्होंने बताया था कि सिटाफिल का फेस वॉश बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। एक्चुअली उनकी स्किन ही पता नहीं क्या है, बट उस वक्त मैंने देखा था उनके चिक बहुत ज़्यादा रफ थे, बहुत ज़्यादा बम्प्स थे और उनके डेड स्किन बहुत ज़्यादा थे, तो उन्होंने बताया था कि वो सिटाफिल प्रोडक्ट यूज़ करती है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको परचेस करके देखती हूँ कैसा होता है। तो मैंने फर्स्ट टाइम सिटाफिल अमेजन से ही मंगवाया था, इसका छोटा वाला डब्बा, तो मैंने यूज़ किया, ओ गॉड, और मेरा मतलब मेरे लिए ना ये एकदम क्या बोलते हैं लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट है, लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट। मुझे स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपको मैं दिख रही हूँ ऐसी, लेकिन ऐसी होने मुझे बहुत ही ज़्यादा स्किन में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ये प्रोडक्ट लिया, मैंने यूज़ किया, मेरे लिए लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट हो गया। दैट्स वाई मैंने सिटाफिल के सारे प्रोडक्ट परचेस करना शुरू कर दिया और तभी से मैं सिटाफिल की फ़ैन हो गई। तो अब मैं इसके छोटे प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ, मैं आपको दिखा दूँ तो सामने मेरे सिटाफिल के मॉइस्चराइजर पड़े हुए, मुझे अभी जाना पड़ेगा, मैं किसी और वीडियो में अपने स्किन के बारे में सारी चीज़ें डिटेल से दे दूँगी। तो सिटाफिल के फेस वॉश, ये रही मेरी बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट माई लवेबल प्रोडक्ट सिटाफिल। और मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप सिटाफिल के फ़ैन हो तो ऑलवेज इसके बिग प्रोडक्ट ही खरीदना। 11, 10, 11, 20 समथिंग ऐसा ही कुछ पड़ा होगा, मैं जस्ट लिंक दे दूँगी, आप चेक कर लेना। तो ये बॉक्स तो खाली हो गया, पर एक और चीज़ है जो कि पता नहीं आप लोग को ये चीज़ अच्छी लगे या नहीं, बट ये थोड़ी सी रैंडम चीज़ है तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना मेंशन कर दूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं सिंगल ही रहती हूँ, तो मुझे अपनी हाउस होल्ड की चीज़ें मुझे खुद ही खरीदनी पड़ती है, मैं अपना किचन खुद ही करती हूँ तो किचन की भी चीज़ें मैं खरीदती हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो किचन के स्टफ्स के वीडियो में या फिर अमेजन पैंट्रीज वीडियो में तो मुझे ज़रूर बताना, मैं वो सारे वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, क्योंकि मैं अपने सारे स्टफ़ पैंट्री से ही मंगवाती हूँ। तो मैं अगर चीज़ें मंगवाती हूँ तो आपको शेयर करने में क्या बुरी बात है, आप मुझे बताना, मैं जरूर शेयर करूँगी। तो ये मेरी प्रोडक्ट है, ये लेमन स्क्वीज़र, मुझे बहुत दिनों से चाहिए था ये चीज़। एक्चुअली मैं जब नींबू को निचोड़ती हूँ ना तो मुझे ये चीज़ में मेरी बहुत ज़्यादा पेन होने लगती है, और कभी कभी ये स्किन जो हट जाते हैं ना, ये वाले स्किन, तो उसमें भी पेन होने लगती है अगर नींबू का रस लग जाता है। तो मैं डायरेक्ट नींबू के रस को टच नहीं करती, उससे भी मुझे प्रॉब्लम है, तो दैट्स वाई मैंने ये ख़रीदा है ताकि मेरी नींबू स्क्वीजिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट जो कि पता नहीं आपको कैसा लगेगा, दिस इज़, जो कि मैंने यूज़ कर लिया है, मैं इसको बहुत दिनों से वेट कर रही थी, मैंने इसको लोकल मार्केट में भी बहुत सर्च किया, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला, तो मैंने ये अमेजन से परचेस किया है। ये एक ऑयल कंटेनर टाइप की है जिसमें आप ऑयल रख सकते हो, और इसमें एक स्पून है, और इस कैप को आप बंद कर सकते हो, और इस कैप में ऐसे लीड लगी हुई है जिससे आप देख सकते हो
कि आपकी चीज़ें अंदर कितनी हैं कितनी नहीं है। तो मैं जब ऑयल के काम करती हूँ ना, तो जो ऑयल बच जाते हैं पैन में, तो उस ऑयल को रखने में मुझे बहुत दिक्कत, वो ऐसे ही रखे 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 मैं उनको फेंक देती हूँ, वो गंदे हो जाते हैं। तो दैट्स वाई मैंने ये कंटेनर लिया है कि वो इसमें डाल दूँ और यहाँ से वो देखते रहें कि उसमें कितनी तेल है, और फिर मैं इसको अलग से ऐसे यूज़ भी कर सकूँ और ये हेल्दी भी रहे शरीर के लिए और इससे हमें कोई नुकसान भी ना हो। तो ये रहा मेरा अमेज़न का लास्ट परचेस, और बाकी मेरे अगर ऑर्डर आते हैं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आपको ये मेरा अमेज़न हॉल वीडियो कैसा लगा, और आप लोग इंटरेस्टेड हो अमेज़न सेल में परचेस करने के लिए तो नेक्स्ट सेल का वेट करो, मे बी वो दिवाली के पास आ जाए, दिवाली के आसपास आता ही आता है, मे बी क्या आता ही आता है, आप उसमें परचेस कर लेना। तो फिर आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और ये प्रीति प्रीटीएस्ट प्रीति आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ गाइस दिस मीन्स अलॉट टू मी, एंड प्रेस द बेल बटन, दैट्स वाई मेरे वीडियोज़ के इन्फॉर्मेशन आपको ऑलवेज मिलेंगे और आप फटाफट फटाफट मेरे सारे वीडियोज़ फर्स्ट में ही देख लोगे, और हम और आप एक दूसरे से कनेक्ट भी रहेंगे, क्योंकि तो अभी तो मैं नहीं हूँ, अभी मैं आप लोग को उतना अच्छी तरह से जानती नहीं हूँ, तो आप लोग मुझसे बातें करोगे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, तो फिर वी बोथ कनेक्ट ईजली। देन प्रे टू गॉड आप लोग सब अच्छे से रहो, मैं भी अच्छे से रहूँ, और मैं अपना नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँ जल्दी से, और आप लोग मेरे वीडियो देखकर एंटरटेन होते रहो। तो बाय बाय टाटा।